मेरा ऐसा कुछ फिक्स था नहीं, मैं तो दिन में गई खाना बना के सुबह चले गई थी। गुस्सा नहीं होने मिला आंटी। ये मेरी मायके जाने की तैयारी है, क्योंकि मैंने कल तो नहीं, परसों में मायके जाऊंगी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नीतू नेगी ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है शाम के 6 बजे से, 6 बज रहे हैं तो अभी शाम का टाइम है। और बाकी मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग अब हो रही है, तो सुबह से तो मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया नहीं, तो सोचा कि अभी स्टार्ट कर लेती हूँ। तो अभी शाम का टाइम है और बाकी चाय पानी हमारा हो गया। और आज दिन में मैं मार्केट जा रही थी, तो इसलिए ब्लॉग नहीं बना पाई, देर में ही गई थी और लगभग 4 बजे तक आई, 1 बजे गई थी देर से और 4 बजे जाके आई हूँ। तो अभी शाम का टाइम है और चाय हमारे, चाय पानी हो गया और ये दादी भी यहाँ पर बैठी है। तो एक बार मौसम दिखाती हूँ आपको और फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो मौसम पूरा बारिश का कोहरा है और देख लिया होगा आपने, चारों तरफ कोहरा लगा है। और यहाँ तो वैसे भी डेली कोहरा ही रहता है, यहाँ ऊपर के साइड यहाँ डेली कोहरा ही रहता है। और सावन नहीं, बरसात भर कोहरा ही है। और मुझे लग रहा नेक्स्ट मंथ जाके अब कोहरा पूरा साफ होगा। और बाकी ना अभी मैंने बहुत सारे कपड़े धोए हैं, आज शाम का मेरा यही काम है। अभी तक मैं कपड़े धो रही थी, कुछ ये हैं और कुछ चटाई वगैरह है यहाँ नीचे की, मतलब जो हमने किचन के बाहर से बिछाई रहती हैं। और कुछ ये हैं, ये सारी यहाँ फेंक रखी है। है क्या बना ना ना अब हरी मार। तो अभी शाम का टाइम है और अभी का मेरा यही काम था। तो अभी तक मैंने ये कपड़े धोए हैं, ये दो चटाई हैं और ये मेरे कपड़े हैं। परसों मैं तुंगनाथ गई थी तो ये धोने के लिए और के थे, तो ये धोए हैं। और अभी मैंने अंदर की सारी मैट भी बाहर निकाल रखी है। तो ये मेरी मायके जाने की तैयारी है, क्योंकि मैंने कल तो नहीं, परसों में मायके जाऊंगी। और बाकी मौसम ठीक नहीं रह रहा है, तो इसलिए मुझे लगा कि अभी धो लेते हैं तो ठीक रहेगा। तो परसों में मायके जाऊंगी तो उससे पहले थोड़ा सफाई ठीक रहती है, तो इसलिए मैंने सारे कपड़े वगैरह भी धो लिए अपने भी और जितने यहाँ बिछाने के थे वो भी। और बाकी वैसे शाम के टाइम पर पोछा नहीं लगाना चाहिए, लेकिन मैं अभी लगा रही हूँ क्योंकि जैसे ऊपर है तो ऊपर ज़्यादा कोई आता नहीं है मेज है, क्योंकि ऊपर मैं ही सोती हूँ बस, और सब नीचे ही सोते हैं। तो अभी ठीक है, अभी मेरे पास टाइम भी है। वैसे तो कल ही लगाना था सुबह पे, लेकिन अभी लगा लेती हूँ क्योंकि अभी वैसे कोई आता भी नहीं है। और अभी मैं पोछा इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि अभी मैं फ्री हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि एक बार पोछा लगा लेती हूँ और उमस जैसे हो रही तो उससे जल्दी सूख भी जाएगा। तो बाकी साफ तो मैंने कर लिया और बस अब यहाँ पोछा लगाते हैं। और बाकी ये मैंने भिगो के रखा है, तो एक बार अपना काम शुरू करते हैं। तो अभी बीच में हमारा ब्रेक हो गया है और दादी आम लेके आए हैं, तो मैं यहाँ पोछा लगा रही थी तो दादी आम लेके आई है कि आम खाते हैं कह के। तो एक बार आम ही खाते हैं और फिर पोछा लगाते हैं। और दादी को मैंगो बहुत पसंद है ना दादी ना? तुम तो बहुत पसंद है ना आम, फेवरेट है तुम्हारा आम, मीठे होते हैं कि मतलब जैसे फ्रूट में दादी को आम भी अच्छे लगते हैं, क्योंकि आम थोड़ा मीठे मीठे होते हैं तो अच्छे लगते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पूरा पोछा लग चुका है, ये देखो, और पूरी सफाई हो चुकी है। और मैंने दादी को इधर बंद कर दिया, ये देखो, यहाँ मैंने पोछा लगाया है और दादी को यहाँ रख दिया। दादी अब यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, देखिए रागवड़ है आप। और दादी यहाँ से कोशिश कर रहे हैं आने की, लेकिन यहाँ से तो आ नहीं सकते, यहाँ से तो नहीं आ सकते, देखिए आप बैठे हैं तब रो आप उन ना जाए वहाँ। तो दोस्तों ये देखो दादी वहाँ पे बैठी हैं और दादी को कबलाट हो गया, बुढ़े आदमी को पता नहीं ऐसे कबलाट क्यों होता है। दादी को कबलाट हो गया और दादी बोल रही कि वहाँ भी तू ऐसे ही बोल रही। तो दादी तो भी ये मैं तो रौनक हुआ बुढ़े आदमी तो भी पता कि बुढ़े आदमी कबलाट है ना भारी। दादी वहाँ बैठे हैं लेकिन दादी को ऐसा हो गया कि मैं यहाँ से उठ के कब जाऊँगी, अभी यहाँ सुबह नहीं है। तो तब तक मैंने दादी को सजा दे के कि वहीं रो, और जब तक दादी वहाँ पर बैठी हैं बारिश भी आने वाली है तो तब तक मैं इनको रख लेती हूँ क्योंकि ये पहले दे देते, तो उधर के साइड डालती हूँ इनको और फिर मिलती हूँ आपको। तो दोस्तों फाइनली सफाई पूरी हो चुकी है और अब चलते हैं नीचे, और नीचे मतलब किचन में अंधेरा भी होने वाला है तो खाना बनाते हैं, खाना बनाने की तैयारी करते हैं, मतलब अभी तो बनाना है क्या ही है, अभी तैयारी करते हैं सब्जी वगैरह। तो नीचे चलते हैं और बाकी जो मैंने ये सारे बाहर रखे हैं, तो अभी तक तो बारिश लगने लगी थी, अभी ठीक है थोड़ी देर में उठाएंगे इनको, अभी मैं चलती हूँ नीचे। दोस्तों आपने नहीं दिखा होगा तो मैं आपको अपना एक छोटा सा डॉगी भी दिखाती हूँ, ये देखो वहीं रह, ये देख, हाय कर, हेलो, वहीं रह, ये देखो हमारा छोटा सा डॉगी, और ये काटता भी है, ये देखो, ए तो दोस्तों ये अभी सब्जी बन रही है और अभी मैंने आटा गूंद के रखा है, और तब तक ये बनती रहेगी तो मैं झट से दूध लेके आती हूँ। आजकल दूध नहीं है घर पे, तो ज्योति दीदी के घर से दूध लगा रखा है, तो चलो। हेलो मैडम जी। तो दोस्तों अभी मैं आ रही हूँ दूध लेने, और आजकल से हमने दीदी जी के यहाँ दूध लगा दिया है, और अब ठीक है डेली एक चक्कर ये बहाना लेगा। ये ठीक है तुमने दूध लगा के। मैं तो आना जाना क्योंकि होता नहीं, मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती काम से, है ना। हाँ बिल्कुल, इसलिए नींद को बढ़िया हो गया काम, दूध के बहाने गलत हो दी जाए। खाना बन गया या अभी आलू दो रही हो दबो? अच्छा अभी कहा की तो वाला मैं बोझ बढ़ो। तो दोस्तों ये देखो अभी मैं दूध लेने आ रही हूँ, और मेरी तो सब्जी बन गई और आटा भी मैंने गूंद के रख दिया है, और बाकी दीदी जी अभी आलू धो रहे हैं तो इनकी सब्जी बनाने की तैयारी है। मैं ये बुला दी मुंह दौड़े इसको काहे अभी ये क्लास कैसी होती है बोल के। और ये तो दिन भर बिजी रहते हैं और बहुत गंदे हैं, खुद तो मेरे पे गुस्सा लगा रहे थे कि मेरे को नहीं बोला, और खुद मार्केट जा रहे थे और मेरे को घर आने के लिए नहीं बोला इन्होंने। पता क्या ये रीजन क्या था? गुस्सा नहीं होना था दौड़े, पता क्या पहले मैं सुबह बोला मैं भी ना, मैं नहीं बोला, मैंने कहा मार्केट जा रही हूँ मैं, तो मार्केट जान बोली क्या नहीं बाजार जान बोली, और सीधा भाई बोल भी नहीं मैं बाजार वाले से, तो बाजार में दिखी था मैंने लहा दो यार ये बार भी बोलनी छो क्योंकि मेरे आजकल काम छे, तो काम सिलसिला में जाए छो मैं भी, है ना। हाँ तो दोस्तों मैं ऐसे मेरा कोई प्लान नहीं था जाने का, लेकिन इन्होंने मुझे सुबह भी नहीं बोला और आज तो घास के लिए भी नहीं बोला, तो इसलिए वो सुबह चले गए थे, और इनकी खुद की प्लानिंग बन गई थी मार्केट जाने की, मेरा ऐसा कुछ फिक्स था नहीं, मैं तो दिन में गई खाना बना के ये सुबह चले गए थे। गुस्सा नहीं होने मिला आटी।